गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। क्लासिक्स इंग्लिश है, लेसन जो है आपका लेसन सेवन, लेसन सेवन है। इसमें आपको कब कराया थे, आज क्वेश्चन आंसर का कराया है। टीका टीका है, आंसर दिखा रहे हैं क्वेश्चन के लिए, प्रश्न का आंसर है। लीजिए पहला क्वेश्चन है, बेटी डिस्क्राइब द कश्मीर ब्यूटी ऑफ कश्मीर। बेटी ने संक्षिप्त रूप में डिस्क्राइब इस वर्णन करके द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता को संक्षेप में वर्णन करके। तो कश्मीर है ब्यूटीफुल गार्डन, कश्मीर में जो सुंदर बगीचे हैं, लवली सुंदर झीले हैं, स्नो कवर माउंटेन बर्फ में ढका हुआ पर्वत होते हैं, एंड अदर ब्यूटीफुल थिंग्स और अदर दूसरी चीजें होती हैं। So, known as beautiful place, इसलिए यार जो कश्मीर एक सुंदर स्थान के रूप में जाना जाता। क्वेश्चन नंबर टू है, हर वीक चार में कश्मीर इज वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सुंदरता के लिए कश्मीर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो कश्मीर इज वेल नोन ओवर द वर्ल्ड मीन्स कश्मीर अच्छी तरह जाना जाता है पूरे विश्व में। हर चारवीं सिटी के अपनी सुंदर शहरों के लिए कौन, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड जो है पहलगाम के नाम की जो सुंदर आचार्य सिटी हैं, इसके लिए कश्मीर पूरे विश्व में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द गार्डन ऑफ कश्मीर। ब्रीफली में संक्षिप्त रूप में डिस्क्राइब स्वागत करो अबाउट द गार्डन, इस बगीचे के बारे में आप कश्मीर के बगीचों के बारे में संक्षेप में वर्णन करिए। तो आपका आंसर होगा कश्मीर हाय सेल में 150 गार्डन, मींस कश्मीर में जो है 725 बगीचे हैं। देयर आर गार्डन्स ऑफ एप्पल ट्रीज, वहां पे सेब के बगीचे हैं, एंड पीछे इस आम के एंड अदर फ्रूट्स और दूसरे फलों के भी बगीचे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है एप्पल्स और पीचेस के वहां पे बगीचे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, फॉर व्हिच क्वालिटी कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस। किस लिए जो है या किस गुण के कारण जो है कश्मीर वर्ल्ड में फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। तो फॉर एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के लिए जो है कश्मीर एक वर्ल्ड फेमस। एम्ब्रॉयडरी मीन्स होता है कढ़ाई के लिए जो है कश्मीर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छी किस्म की जो है एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई की जाती है, उसके लिए पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट एंड शार्प नोट ऑन डल लेक मीन्स डल लेक पे, डल झील पर एक शार्प नोट लिखने है, छोटा सा बदल रहा है। तो डल लेक इज 8 किलोमीटर लॉन्ग मीन्स ए डल जो लेक है, झील है, इस 8 किलोमीटर लॉन्ग 8 किलोमीटर लंबी है, एंड 4 किलोमीटर वाइड और 4 किलोमीटर चौड़ी। इट हैज क्लियर वाटर, इसमें साफ पानी रहता है। इट हैज फ्लोटिंग गार्डन और इसमें जो है तैरते हुए बगीचे पाए जाते हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ द बीच, इन्हीं डेंजर की सुंदरता। तो इतना जो है क्वेश्चन आपको आज क्वेश्चन करा दिए, मिस पांच बचे थे जो पांच मैंने करा दिए। अब इस तरह से लेसन आपका समाप्त होता है, फिर जो है अब अगला लेसन जो भी होगा वो अगले दिन होगा, आज नहीं। अगला लेसन है लेसन एक, सर्व अदर दूसरों की सेवा करो। तो आज के लिए मैं इतना ही, थैंक यू।